विगत दिवस में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हमीरपुर जिला मीडिया प्रभारी अजय प्रजापति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुमीरपुर में अलाव की हकीकत जानने के लिए कवरेज करने पहुंची थी और बता दें कि उसी संबंध में वहां पर तैनात नर्स पत्रकार के साथ ही अभद्रता करने लगी और इसके चलते संबंध में उन्होंने कवरेज किया और इसी के दौरान ही नर्सों की जो गुर्गी लगी हुई थी उन्होंने पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पत्रकार ने तुरंत पुलिस को फोन किया और वहां पर पुलिस ने पहुंचकर मदद मांगी और इसी के संबंध में आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल सचिव जयशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में सभी तहसील के पदाधिकारी ने उपजिलाधिकारी महोदय राठ को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और तो पत्रकार एसोसिएशन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे अगर यह कार्रवाई ही नहीं हुई तो। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए, क्या मामला है? हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला मीडिया प्रभारी अजय प्रजापति सुमेरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अलाव व्यवस्था देखने के लिए गए हुए थे, जहां स्टाफ नर्स द्वारा उनके ऊपर अभद्रता की, साथ ही उनके गुर्गों द्वारा मोबाइल छीन लिए और उनके साथ मारपीट की है। इस घटना में जब हमारा पत्रकार साथी सुमेरपुर थाने में शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि स्टाफ नर्स द्वारा भी तहरीर लेकर दोनों पक्षों पर मुकदमा लिखने का पुलिस दबाव बना रही है। इसलिए हमारे जिला अध्यक्ष श्री मनोज त्रिपाठी के आह्वान पर पूरे प्रत्येक ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया जा रहा है। यदि पत्रकार को न्याय नहीं मिला और पत्रकार की तहरीर पर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ तो पत्रकार साथी हमारे सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। रक्षा थाना क्षेत्र में 20 नवंबर को पति पत्नी अपने रिश्तेदारी से आ रहे थे। रास्ते में अपाचे सवार मोटरसाइकिल पे दो लड़कों ने उनके साथ लूट की वारदात की। इसमें अभियोग पंजीकृत कर इस प्रकरण में कार्रवाई की जा रही थी। कल रात को दोनों जो लुटेरे थे वो दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। इनके पास से लूट के एक लॉकेट, एक मंगलसूत्र और दो झुमके बरामद कर लिए गए। कितनी कीमत का जेवरात बरामद किया, इसके अलावा क्या क्या हुआ? ये लगभग 1 लाख से ऊपर के अभी तक कितनी घटना को अंजाम दे चुके हैं, क्या इसके बारे में पूछताछ की जा रही थी। अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, लेकिन तब भी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके पास इन्होंने जो लूट में मोटरसाइकिल अपाचे यूज की थी उसमें भी आगे पीछे नंबर नहीं है, उसके बारे में भी पता किया जा रहा है कि क्या ये मोटरसाइकिल इनकी अपनी थी या किसी ने। इस वारदात को कितने बजे अंजाम दिया गया था, क्या ये लोग पैदल थे या पूरा ग्रुप है? ये लोग भी मोटरसाइकिल से ही आ रहे थे, अपने रिलेशन में गए थे, मोटरसाइकिल से ही आ रहे थे। रात का समय था सुबह भोर में पूछताछ की जा रही है इनसे, विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है इनके बारे में, पूछताछ की जा रही है जिसमें एक लड़का लोकल यही रक्षा का ही रहने वाला है, दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इनसे बात है कि अपने खर्चे के लिए बताए थे कि अपने लिए ही इन्होंने लूट की थी, उसको बेच रहे अभी इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। सर 11 अगस्त को रक्षा थाना क्षेत्र में रुक गया, उसके बाद पूछ रहा है।